ये जी हमारे पास एक इंडोर है, मेरे ख्याल में चाइना ही है, कुछ चाइना का कंपनी है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले में जब जैसे ही आप ऑन करते हैं, इसमें E7 का एरर शो हो जाता है। ये देखें आप, ये E7 का एरर है, और इसकी जो LED है ना वो 7 टाइम ब्लिंक करती है। ये आप देखें, 7 टाइम ब्लिंक करने के बाद ऑफ हो जाती है। ये देखना, अभी फिर ऑन होगी, 1 2 3 4 5 6, ये 7 7 टाइम ब्लिंक करने के बाद ऑफ हो जाती है। अब इसका क्या है कि ये इसका पावर बटन भी ऑन नहीं करता, काम नहीं कर रहा, और यहाँ तक कि इसका रिमोट भी काम नहीं करता, कुछ भी काम नहीं कर रहा। इसको हमने चेक किया है कि इसमें ये तो हैं, इसकी 3 वायर हैं ये कंट्रोल की हैं। ये इसका फ़ैन है, आउटडोर का फ़ैन, ये हीटर है, और ये कनेक्टर की है, और ये दो इसकी न्यूट्रल लाइन है, ये न्यूट्रल है और ये लाइन है। और इसकी एक वायर ये है, ये आउटडोर में जाती है, आउटडोर में सेंसर लगा होता है ना, ये उसकी है, इसके साथ सेंसर नहीं लगा हुआ। इसको अगर आपस में भी ज्वाइंट करते हैं हम, तो फिर भी ये देखें, आपस में ज्वाइंट किया तो एक बार हल्का सा, ये देखें, ये 17 हुआ, इसका टेम्परेचर 17 हो गया, इसको ऑन करके छोड़ दिए, ये देखें, फिर E7 आ गया। जैसे ही इसको हम आपस में कनेक्ट करते हैं, ये देखें, ये 17 हो गया, ये देखें, ये ऑन हुआ, लेकिन फिर ये सेम प्रॉब्लम हो रही है। ये देखें, ये देखें, ये फिर 17 हो गया। अभी हम इसको क्या करते हैं कि इसमें प्रॉपर सेंसर लगा के फिर चेक करते हैं। ये देखें, अभी हमने इसमें ना प्रॉपर सेंसर लगा दिया है, ये देखें, ये इसमें सेंसर लगा दिया है, ये सेंसर आउटडोर का, और ये इसका आप देखें डिस्प्ले, ये 17 पे ऑन हो चुका है। अब इसमें एरर नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ऑन है। आपको दिखाते हैं इसकी फ़ैन मोटर भी, ये देखें, ये इसकी मोटर ऑलरेडी ऑन हो चुकी है, ये देखें, हवा भी आ रही है, ये आप देख सकते हैं हवा आ रही है इसकी। ये E7 जो एरर है, ये इसमें होता है कि जो आउटडोर का सेंसर है ना, उसका एरर होता है, ये जो आउटडोर में सेंसर लगा होता है। अगर कुछ ऐसे भी होते हैं, अगर वो सेंसर नहीं भी लगा हो ना तो चल जाते हैं, लेकिन इसमें वो बिना सेंसर के ये नहीं चल रहा था, इसलिए वो सेंसर लगाया तो चल गया।